रालोपा सुप्रीमो बेनीवाल की टिप्पणी से नाराज बजरी परिवहनकर्ताओं और श्रमिकों का प्रदर्शन। विगत एक सप्ताह पूर्व नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर आज सकल समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वैध बजरी परिवहनकर्ता और श्रमिक संघ श्री राजपूत करनी सेना सहित सकल समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व अहिंसा सर्कल से लगभग 150 से ज्यादा ट्रैक्टर और गाड़ियों में बैठकर आए बजरी खननकर्ताओं और श्रमिक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सांसद बेनीवाल द्वारा बजरी माफिया जैसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर बजरी के लीगल टेंडर जारी करने वाले समस्त वैधानिक प्रशासनिक सिस्टम को चुनौती दी है। आपको बता दें कि कल दोपहर में बजरी माफियाओं के खिलाफ और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर रालोपा सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की एक दिवसीय यात्रा भीलवाड़ा में प्रस्तावित है और इसी के चलते एक दिन पूर्व आज ये प्रदर्शन किया गया। नव भारत समाचार भीलवाड़ा राजस्थान से लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। मेघराज सिंह जी जो उद्योगपति है आप सबको पता है, जो रेत के उद्योग हैं और भी कई सारे उद्योग हैं और जो कि समाज हर समाज को हमेशा सहायता करते हैं, और लाखों आदमियों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। केवल राजस्थान ही नहीं है, मध्य प्रदेश और भी कई, झारखंड, कई जगह है, उसमें सभी जाति है, कोई पर्टिकुलर एक जाति या उसको नहीं, सभी जातियों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। अच्छा, रोजगार हर कोई देता है लेकिन रोजगार के साथ में उन्होंने हर जगह मदद की, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे कहीं कोई ऐसी आपदा आ गई हो, जैसे आपको मालूम अभी भूंगरा कांड हुए हैं, मुद्दे की बात बताइए सर, ये तो बहुत लंबी हो इस तरह के मेरा कहने का मतलब ये है सर, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के आदमी के ऊपर जब कोई माफिया वर्ड यूज़ करता है कि ये तो माफिया है और ये दादागिरी करते हैं, इस तरह का अगर हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं नागौर से, वो अगर इस तरह का बयान या टिप्पणी देते हैं तो उसकी भरसक निंदा करते हैं और जहां जहां वो जाएंगे हम उसका उनका विरोध करेंगे। आज हमने क्या किया है? आज हमने सारे जितने भी भीलवाड़ा से बजरी का जो वैध रूप से जो काम करते हैं वो सब आए थे कि भाई अवैध रूप से जो काम चल रहा है उस आदमी के ऊपर उनके आदमी को टारगेट किया जा रहा है, तो उनके विरोध दर्ज कराने के लिए सभी आए हैं। सभी समाज के सभी वर्ग के इसमें लोग हैं और सभी हम मिलकर आए और इसका विरोध दर्ज कराने का। कल भीलवाड़ा आ रहे हैं, कल कोई विरोध प्रदर्शन रहेगा क्या आपका? कल जहाँ घूमेंगे वहाँ विरोध हो सकता है, क्योंकि पब्लिक है साहब, सबका गुस्सा भरावार हर गांव से है वो कोई हम। हाँ जी, मुझे भी पूरा, हम तो पूरे भीलवाड़ा में ही हैं, हर तहसील में है सर, ये तो आपको पता है, उनको गिनाना मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। मैं चतर सिंह मोटराज अभी सर्व समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ, राजपूत विकास परिषद का अध्यक्ष भी हूँ। आप उम्र ट्रस्ट के हनुमान जी का विरोध कराने आए क्लर्क साहब के यहाँ, क्योंकि हम ट्रैक्टर मालिक मजदूर संघ सारे इकट्ठे होके आएंगे, लीगल काम कर रहे हैं, वैध बजरी चल रही है, इसको अवैध बताते हैं और हमारी पेट पर आँच आ रही, इसलिए यह मुद्दा उठाया और हम सब लोग ट्रैक्टर मालिक और मजदूर संघ सारे इकट्ठे होके यहाँ क्लर्क साहब को ज्ञापन दर्ज कराने आए हैं। और क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं सर, हमारी बजरी जो वैध चल रही है उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, अवैध काम नहीं कर रहे, वैध काम कर रहे हैं, उसमें आ जा रही, इसलिए जो कर रहे हैं लीगल वो करने दें। हजार रुपये आ जाए उसमें आ जा रही है। आज आपने क्या किया? आज